आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिमला में पानी के लिए पुलिस ने धुने लोग, हाईकोर्ट के आदेश, नगर निगम रोज दे पानी का ब्यौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, पेट्रोल डीजल सस्ता करने को योजना जल्द। मंडी के रोपड़ी में मकान राख, 12 लाख का नुकसान। सड़क की दशा ना सुधरी तो ठप कर देंगे धारकंडी से जाने वाली पेयजल योजनाएं। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर में मंगलवार को पानी की समस्या इतनी विकराल हो गई कि पानी की मांग कर रहे लोगों की पुलिस ने धुनाई कर डाली। इसी बीच वामपंथियों का उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला। प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने खूब लात घूंसे भी बरसाए। उग्र भीड़ इस बात से भी खासी नाराज थी कि शहर में ना तो मेयर है, ना निगम कमिश्नर और ना ही कोई आला अधिकारी। सभी दफ्तर खाली मिले और इसी बात से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सभी दफ्तरों पर हमला बोल दिया। माकपा ने जिलाधीश कार्यालय के समीप जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माकपा शहरी सचिव बलवीर पराशर ने कहा कि भाजपा सरकार 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने का वायदा करके सत्ता में आई थी। इसके विपरीत 24 घंटे तो क्या, 10 दिन तक जनता को पानी नहीं मिल रहा है। जो वायदे इन्होंने चुनावों के दौरान किए थे, उन वायदों से पीछे हट रही है। और जो वायदा इन्होंने किया था कि हम 24 घंटे पानी देंगे, अब 24 घंटे पानी देने के बाद तो दूर दिन हर दिन पानी देने के बाद तो दूर 9-10 तक दिन तक पानी नहीं आ रहा है। हमारा ये मानना है हमारी पार्टी का, क्योंकि शिमला शहर में अभी भी जो दावा जो नगर निगम कर रहा है कि 20 से 22 ml पानी की सप्लाई आ रही है, लेकिन वो आम जनता को नहीं दिया जा रहा है। पानी के टैंकरों के जरिए कमीशन इसमें नगर निगम के द्वारा खाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला जो वितरण में किया जा रहा है। इसी बीच हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने मंगलवार को नगर निगम के आयुक्त व अभियंता को तलब किया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि शिमला नगर निगम को रोज इस बात की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी कि उसके पास कितना पानी उपलब्ध है। बुधवार को भी अदालत के सामने पानी का ब्यौरा दिया जाएगा। उधर मंगलवार को ही सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी फील्ड में उतरे। उन्होंने कुसुमटी, महली, न्यू शिमला, कंगनाधार व पटियोग बाड़ों का दौरा भी किया, जहां पर कई तरह की अव्यवस्थाएं भी मिली हैं। स्थानीय निवासी रजिंदर ने कहा कि शिमला में इससे पहले कभी भी इतना बड़ा जल संकट नहीं देखा। पानी की सप्लाई तो यहां मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया, पूरा हफ्ते बाद आ रही है। टैंकर तो आज पहली बार आया है। अच्छा, पहली बार है? पहली बार आया है यहाँ। तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सबसे ज्यादा। यहाँ पर देखिए पीने तक का पानी नहीं है। कुसुम ने कहा कि प्रशासन टैंकर से पानी की सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन जिन लोगों के घर गलियों में है उन्हें पानी कैसे मिलेगा? जिन लोगों के घर गली में है, बताओ आप, वो पानी भरने कैसे आएंगे? ये तो मैं सडनली अभी बाहर निकली, मैंने कहा देखो टैंकर ऊपर है। अब देखो अब इतनी दूर टैंकर है, हमारा घर कहाँ ऊपर जाके है? ये कोई जस्टिफाइड बात बनती है मेरे को? बताओ अब जिनके घरों में बुजुर्ग है उनको उनके घर में कौन पानी लेके जाएगा? एक बूंद हमारे घर में पानी की नहीं है। लोअर बाजार निवासी शीतल सूद ने तो पर्यटकों से शिमला ना आने का भी आग्रह किया। बहुत मुश्किल है, एज भी इतनी नहीं है कि इतना जोर भी नहीं है, और अब ये राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, हर न्यूज़पेपर में आ गई है ये बात। तो टूरिस्टों को भी चाहिए कि शिमला ना बंद कर दे। क्या अब ये बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ भी उनके लिए भी प्रॉब्लम है, लोकल लोगों के लिए तो मुश्किल है। देश में मोदी सरकार के 48 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस पर अब जनता को इन 4 सालों की याद दिलाने का काम शुरू हो गया है। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इन 4 साल में बहुत कुछ करने को था और यह चुनौतीपूर्ण टास्क था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया है। देश में डिजिटल लेन देन के माध्यम से बिचौलियों को खत्म किया गया।
जो कि हजारों करोड़ हड़प लेते थे। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल को महंगा होने से रोकने के लिए सरकार जल्द ही दीर्घकालीन योजना लाएगी, जिसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। 71 में हम लोगों ने कहा कि हम गरीबों के लिए और किसानों को बैंक की सुविधा देंगे। 12 करोड़ से ऊपर किसान हैं इस देश में। 1971 से लेकर 2014 तक आप 3.25 करोड़ पर हम खड़े थे। आज हम 31.52 करोड़ पर हम खड़े हैं। दिस इज द 55% ऑफ न्यू बैंक अकाउंट्स ओपन ग्लोबली बिटवीन 2014 एंड 17। शाहपुर क्षेत्र के धारकंडी में दरीनी, रुलेहड़, रेडकमार व हारबो पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत पर ग्रामीणों का सब्र टूटने लगा है। क्षेत्र की जनता ने आंदोलन तेज करते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धर्मशाला पहुंचे ग्रामीणों ने सरकार सहित जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को सड़क की टायरिंग करने के लिए 4 जून तक का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 10 किलोमीटर लंबे इस संपर्क मार्ग को सुधारने के लिए कार्य नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता धारकंडी से जाने वाली पेयजल आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर देगी। पर सर, हमें रोड की हालत है बहुत ही खराब है। पिछले 12 सालों से हम वैसे ही मतलब खराब हालत वाले रोड से गुजर रहे हैं और दिन प्रतिदिन वहाँ पर आए दिन मतलब छोटी मोटी घटनाएं तो दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। बल क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरसवान के रोपड़ी गांव में एक मकान जल गया। इस अग्निकांड में 2 भाइयों डूमराम और हेतराम पुत्र पिरसाई राम का लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पंचायत प्रधान निर्मला देवी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे घर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया और उनके पड़ोसी घनश्याम के घर को आग से बचाया। कानून को धर्मचंद का कहना है कि पीड़ित परिवार को फौरी राहत जल्द दी जाएगी। हरोली थाना के अंतर्गत पोलिया में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान अक्षर कुमार पुत्र दौलतराम के रूप में हुई है। बुजुर्ग का खून से लथपथ शव घर से बरामद हुआ है। वहीं घर के अंदर से नकदी व जेवरात से भरा ट्रंक भी गायब पाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। प्रदेश के मौसम में कहीं कहीं बदलाव भी देखने को मिला। हमीरपुर और पालमपुर में तेज हवाएं चलने के साथ ही यहां बारिश की बौछारें भी पड़ी, इससे तापमान में कमी महसूस की गई। और अब चलते चलते सरकार ने किए 11 HAS ट्रांसफर, 6 को अतिरिक्त काम। चंबा के भटियात में जंगल की आग को बुझाते डिप्टी रेंजर की ढाक से गिरकर मौत। दिव्यांगों का बनेगा एक ही प्रमाण पत्र, नौकरी में 4% आरक्षण। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सनी दयाल की आवाज में यह सिरमोरी लोकगीत। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी
यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।